बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये उस शख्सियत का ताल्लुक है जिनको हम भाई, सारे भाई, इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ एक ही नाम से पुकारते थे, भाई साहब। और जब भाई साहब कहते थे तो उसमें किसी को शोभा नहीं होता था कि हम किस भाई का जिक्र कर रहे हैं। तो इस मामले में उनकी बहुत सी इंफरादियतें थी, बहुत से मामलात में मुनफरिद थी, लेकिन ये इंफरादियत उनकी रिश्तों के सिलसिले में जो थी वो उससे आपको मुश्तला करना चाहता हूँ। भाई साहब की शख्सियत के बारे में मुझसे पहले मुझसे बहुत बेहतर लोगों ने उनके बारे में आपको बताया होगा, अपने तासुरात का इजहार किया होगा। मैं तो सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि हम लोगों ने जिसे कहते हैं कि आज से 40 दिन पहले हमारे खानदान में एक हीरा था जिसको हमने मट्टी के सुपुर्द कर दिया और आज वो अपने कब्र अनवर में महबूब है, बल्कि मैं कहता हूं कि वो अपनी कब्र अनवर में बेदार है और बेदार होकर अपने चाहने वालों का, अपने वालिद के मुरीदों का, अपने मुरीदों का, मुतवस्सिरीन का, की मोहब्बत का नजारा कर रहे हैं। आज का दिन खानदानी रिवायात के एतबार से ये तकरीब तमाम है, यानी जब दो अरबों को मिला दीजिए तब वो तकरीब पूरी होती है। एक तकरीब जो है वह चहलुम की है और एक तकरीब वो होगी इंशाअल्लाह ताला जिसमें उनके फर्जंदे अकबर वली अहद जानशीन सैयद शाह मौलाना सैयद सत्तैर हैदर काजी बताकी सल्लल्लाहु ताला उनकी गद्दी पर, बड़े अब्बा की गद्दी पर और सच पूछो हुजूर साहिबुल बरकात की गद्दी पर, और सच पूछो हुजूर साहिबुल बरकात की गद्दी पर, और अल्लाह ताला ताकत अता फरमाए कि वो हुजूर साहिबुल बरकात की गद्दी के जो हुकूक है उनको अपनी जान से, अपने माल से, अपने तन से, अपने धन से, अपने मन से पूरा कर सके। आमीन।